गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की सुबह कुछ इस तरीके की थी। वेदर हो रहा था बहुत गोल्डन सा, हल्का हल्का, और उसके बाद जो है मैं अपने ऑफिस का काम करने लग गई। ऑफिस का काम अभी थोड़ा ज़्यादा है और मेरी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में थोड़ा ज़्यादा काम रहता है, तो मैं अपना काम करने लग गई। मुझे साथ में भूख भी लग रही थी बहुत तेज। और यहाँ देखिए, शेल्डन इतनी मस्ती से सो रहा था, मतलब इसके तो मज़े हैं। मुझे तो सब काम करना पड़ता है। फिर मैं जो है वो मेडिसिन खाने लग गई, अपनी सारी मेडिसिन लेने के लिए जो है पहले गैस वाली मेडिसिन लेनी होती है एम्प्टी स्टमक, तो मैं वो ले रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेडिसिन लेना, लेकिन क्या करें, लेना पड़ता है। उसके बाद मैं जो है वो मेडिटेशन करने लगी। मेरी फैमिली में जो है मेरी बुआ जी बोलती है कि मेडिटेशन किया करो, इसलिए मैं मेडिटेशन जो है वो ज़रूर करती हूँ, मतलब बीच बीच में छूट भी जाता है लेकिन करती हूँ। फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लग गई, और आज हम बनाने वाले हैं रोस्टेड जवे। जवे जो है वो कुछ लोग जवे बोलते हैं, कुछ लोग वर्मिसेली बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप क्या उसे क्या बोला जाता है। और फिर जो है मैं तैयारी कर रही थी इसके लिए, आलू छील रही थी। पहले मैंने जो है किचन को साफ़ किया, क्योंकि किचन को साफ़ करना पड़ता है पहले ब्रेकफास्ट बनाने से पहले, उसमें आटा वगैरह लगा रहता है। सुबह मैं एक्चुअली सुबह भी साफ़ कर देती हूँ कभी कभी, नाइट में भी। तो यहाँ पर हमने जो है कुकर चढ़ा दिया था, उसमें ऑयल डाल के गर्म कर लिया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें सरसों डाला है। मेरे पास इस समय राई थी नहीं, तो मैं राई सरसों कुछ भी ले लेती हूँ। थोड़ी सी मेथी जो है वो मैंने उसमें टमाटर में डाल रखी है। ये प्याज और करी पत्ता इसमें डाल दिया है, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये देखो, मैं आज वर्मिसेली बनाने वाली हूँ, ये रोस्टेड है तो इसको रोस्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर मैंने टमेटो, लहसुन, हरी मिर्च और सारे मसाले जो हैं वो एक साथ कुकर में डाल दिए। यहाँ मैं अपनी चाय तैयार कर रही थी, इलायची और तुलसा जी वाली। ये श्यामक तुलसा है और बहुत ही अच्छी चाय बनती है इसकी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। इधर जो है वो अनियन फ्राई हो रहे थे, और मैं जो है वर्मिसेली को अच्छे से वॉश करके ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं उसमें डस्ट वगैरह ना हो। तो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप उसको वॉश करें कि नहीं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और मैं इसे कुकर में ही बनाती हूँ। उसके बाद ये बन गए थे, और मैंने इसमें मटर भी डाली थी। ये फ्रोज़न मटर नहीं है, फ्रेश मटर है, आप फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। और मतलब जवे तो इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और मतलब मुझे ना जवे में स्पेशली आलू और मटर चाहिए ही होता है। सर्दियों के वेदर में ना आप इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। आप इसमें जो है वो गाजर डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं, और उस समय मतलब मटर तो भर भर के डाल सकते हैं, मटर बहुत सस्ती होती है। फिर मैं अपने विटामिन D3 और कैल्शियम के टैबलेट्स ले रही थी। उसके बाद शेल्डन जो है वो बाहर से घूम के आया था, मैं उसको घुमा के लाई थी। उसको इतनी मतलब थकान हो रही थी, इतनी वो हो रहा था, क्योंकि वेदर जो है वो गर्म है, तो उसकी हालत देख के मुझे हंसी भी आ रही थी और बुरा भी लग रहा था। एक्चुअली जब ये बाहर से आता है तो इसी तरीके से हाँफते हैं डॉग, लेकिन एकदम से हम लोग AC वगैरह भी नहीं चला सकते, क्योंकि वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेगा फिर ये AC में बैठ सकता है। फिर मैं आज लौकी का रायता बनाने वाली हूँ। मैं एक्चुअली लौकी को कभी भी बॉईल करके, निचोड़ के, पानी अलग करके रायता नहीं बनाती हूँ। मैं लौकी को छोटे वाले कद्दूकस से अच्छे से कस के, और फिर उसे कढ़ाई में पका कर नमक डाल के, फिर उसको मतलब ढक ढक के भूनती हूँ हल्के से, तो वो पक जाती है अच्छे से, फिर रायता बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं अपने खाने की तैयारी कर रही थी, और मतलब आज मुझे बताते हुए भी हंसी आ रही है कि मैं जो है वो टिंडे के छिक्कल उतारना भूल गई थी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है किसी के साथ, जब ऑफिस के काम का प्रेशर होता है तो ऐसा किसी के भी साथ हो जाता है, लेकिन मुझे मेरे साथ हो जाए तो मुझे मतलब विश्वास नहीं आता। लेकिन मतलब आप ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, ये उसके बाद भी इतने टेस्टी बने थे। मुझे बहुत बाद में ध्यान आया जब मैं खा चुकी थी कि मैंने तो आज छिक्कल ही नहीं उतारे टिंडों के। टिंडे बहुत टेस्टी बने थे और टिंडे मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने जो है फिर टिंडे बनाए थे और थोड़ा सा राइस लिए थे, अनियन। फिर हो गया था शाम हो गई थी। शाम होने के बाद जो है ये मोगरे का पेड़ शेल्डन ने पूरा काट काट के अपने दांतों से ख़राब कर दिया है। ये इसकी पत्ती और डंडियाँ खाता है, तो मैं उसको जो है सोच रही थी हल्दी लगा दूँ, थोड़ा सा एलोवेरा लगा दूँ, इसलिए मैं उसे बाहर निकाल रही थी। और ये मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, देखो साथ साथ बैठा हुआ है,
और फिर ही अपनी बदतमीजी पर आ गया मैं, थोड़ा सा इधर उधर हुई इसने मिट्टी बाहर कर दी। फिर रात हो गई तो हम लोग घूमने चले गए बाहर। बाहर आए तो ये महाशय मिली हमें, और ये इतनी स्वीट है, ये बहुत ज़्यादा खेलती है और मस्ती करती है मेरे साथ। फिर हम लोग घर आ गए घूम घाम के। मिलते हैं कल के व्लॉग में। ओके बाय, गुड नाइट।